दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। पहले मैं उन सब लोगों का थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, लाइक किया। और आशा करती हूँ आप ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। मूव ऑन करते हैं हम अपने इस प्रोडक्ट का, जो कि आज का रिव्यू करने जा रही हूँ मैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था 2 महीने पहले, 349 रुपीज़ का, और अभी ये 349 रुपीज़ का ही मिल रहा है। बट अब ये अवेलेबल नहीं है फ्लिपकार्ट पर। मैं साइड में इंसर्ट कर दूँगी पिक्चर्स की। इस तरह से पूरा ज्वेलरी बॉक्स है, चारों तरफ से अंदर अंदर फैब्रिक है, ऊपर पॉलीथीन चढ़ी हुई है, और इस तरह से स्टिचिंग की गई है पूरे के पूरे बॉक्स में, अंदर से भी और बाहर से भी की गई है। मैं इसे वैनिटी बॉक्स की तरह भी यूज़ करती हूँ। कहीं कहीं मैं जाती हूँ तो इसमें स्किन केयर के प्रोडक्ट भी रख के ले जाती हूँ, और मेकअप बॉक्स की तरह भी इसे यूज़ करती हूँ दोस्तों। इस तरह से इसमें 5 पाउच आते हैं, और ये 5 पाउच निकालने के बाद ये आपका बिल्कुल स्पेस हो जाता है, कैसे भी इसे यूज़ कर सकते हो आप। इस तरह से एक चैन है इसके अंदर, आप इसमें बिंदी के पत्ते रख सकते हो, पिंस रख सकते हो, चूड़ी भी, चूड़ी नहीं एक्चुअली में, आप इसे सुई धागा भी रख सकते हो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो। और ऊपर भी एक चैन है इसके, आप इसके अंदर हैंकीस रख सकते हो, चैन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैं तो इसे इस तरह से यूज़ करती हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर अंदर एक ये आता है हैंग करने के लिए, कुछ भी चीज़ हैंग कर सकते हो। मैं इसमें चूड़ी हैंग कर लेती हूँ, हल्की हल्की, ज़्यादा भारी चूड़ी नहीं हैंग करती इसमें मैं। और या आप इसमें अपनी जो इयररिंग्स होते हैं हुक वाले, वो इसमें हैंग कर सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, कहीं से भी तस से मस नहीं हुआ इसकी क्वालिटी को। वैसा जैसा था ना, जैसा आया था वैसा का वैसा ही है। और इसकी चैन की क्वालिटी बहुत मस्त है, A1 चैन की क्वालिटी है इसकी। और 2 हुक दिए रखे हैं चैन के, इसमें एक ख़राब हो गया तो दूसरे से आप इसे काम ले सकते हो दोस्तों। अब इसके अंदर के पाउच की बात करते हैं। इसमें 5 पाउच आते हैं दोस्तों, बट मेरे पास अब ये 4 आपको शो हो रहे होंगे। एक मेरा कहीं रखा हुआ है, उसमें ज्वेलरी रखी हुई है, इस टाइम मुझे मिल नहीं रहा है। इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को खूबसूरत तरीके से रख सकते हैं, बिना डस्ट नहीं हो लगेगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऊपर से पॉलीथीन है। मैं अब आपको अंदर से दिखाती हूँ कैसा दिखता है दोस्तों, किस तरह से आप ज्वेलरी हैंग कर सकते हो। इसमें मैंने इस तरह से हैंग कर रखी है, इसमें कुछ स्टिकर टाइप में आते हैं, इसमें आप चिपका लीजिए और आपकी ज्वेलरी इधर से उधर बिल्कुल नहीं होगी। ऊपर से भी आप अपनी डोरी को फिक्स कर लीजिए, आराम से अच्छी तरह से फिक्स कर लीजिए, जिससे वो निकलेगा नहीं। और इसमें टॉक्स की लगाने की एक स्पेशल जगह दी गई है, तो आपको ये कहीं भी नहीं जाएगा इधर से उधर। पॉलीथीन को रैप कर दीजिए। बहुत अच्छी क्वालिटी की ये पाउच है, और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की पाउच है। अंदर से कार्डबोर्ड टाइप में कुछ पट्ठा सा अंदर दे रखा है, वो ख़राब नहीं होता है दोस्तों, और लॉन्ग टाइम तक अपनी ज्वेलरी सेफ रहती है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, डस्ट नहीं जाएगी, आपकी ज्वेलरी सेफ रहेंगी दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि हम इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं तो इनको ही रखने की एक पर्टिकुलर जगह भी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अक्सर इंडियन वुमेन्स जो होती हैं अपनी ज्वेलरी तो ले लेते हैं, कभी किसी डिब्बे में रख दिया, कभी किसी डिब्बे में रख दिया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, ख़राब भी हो जाती है एक्चुअली में। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो उसमें आराम से दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना। अगर आप अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक कर देना। और आपको ये ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी बाय लिंक दे दूँगी, वहाँ से आके खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।